उसके बाद राजा अपनी बालकनी पर जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि दुश्मन राजा के महल पर अटैक करने के लिए आ रहे हैं। ये देखकर राजा अपने सिपाहियों से उन पर हमला करने को बोलता है। उसके बाद सिपाही दुश्मनों के ऊपर तीरों से हमला कर देते हैं और साथ ही उन पर आग के गोले भी फेंकते हैं, यहाँ तक कि वो लोग अपने दुश्मन पर तेजाब भी डाल देते हैं। उसके बाद राजा दरवाजे पर जाके खड़ा हो जाता है ताकि कोई भी इस दरवाजे को खोल ना सके, लेकिन तभी इतने में वहाँ पर रानी भी आ जाती है और वो राजा को वहाँ से हटने को बोलती है। लेकिन रानी राजा को दरवाजे से हटने को क्यों बोल रही थी उसे जानने से पहले? अगर नदी में हमारे देश का प्यारे तिरंगा और पैसा डूब रहा हो तो आप सबसे पहले किससे बचाएंगे? अगर आप हमारे देश के प्यारे तिरंगे को बचाएंगे तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आप पैसे को बचाएंगे तो इस वीडियो में कमेंट कर देना। उसके बाद हम देखते हैं कि राजा जिसको अपना दुश्मन समझ रहा था वो कोई और नहीं बल्कि उसकी सास होती है।